जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सुविधा के विस्तार के लिए पशु मोबाइल एम्बुलेंस का शुभारंभ किया गया। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कोरबा जिले के 5 ब्लॉकों के लिए मिले 5 मोबाइल वेनेटरी यूनिट वाहनों को झंडी दिखाई। इस मौके पर राजस्व मंत्री ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में अब पशुओं के उपचार के लिए मोबाइल वैन यूनिट का शुभारंभ किया गया है। इससे कोरबा जिले के सभी ब्लॉकों में मेडिकल टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर बीमार पशुओं का इलाज किया जाएगा। अभी चिकित्सा विभाग के लिए भी ये मोबाइल वैन हर ब्लॉक में एक वैन दी गई है। ब्लॉक वाइज जाके कहीं भी अगर कोई पशु बीमार होता है वे वैन में जाके डॉक्टर वहीं पे उसका इलाज करेगा। ग्रामीण क्षेत्र हो या जितने ब्लॉक हैं हर ब्लॉक में इसका आज विधिवत कोरबा जिले में 5 ब्लॉक के लिए एक एक मोबाइल वैन पशु चिकित्सा विभाग के लिए यहाँ अलॉट हुई है, जिसका विधिवत हरी झंडी दिखा के हमने उद्घाटन किया है। पशु चिकित्सा विभाग के उप संचालक एसपी सिंह ने बताया कि राज्य शासन की योजना के तहत वेटनरी मेडिकल यूनिट वैन में मेडिकल स्टाफ के साथ ही पशुओं के उपचार की सारी सुविधाएं होंगी। वेटनरी यूनिट के नाम से कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसके अंतर्गत जिले को 5 वैन मिले हुए हैं जो कि सब इक्विपमेंट दवाई से सुसज्जित है और ये प्रतिदिन ये जाएंगे और एक दिन में 2 गौठानी लोग कवर करेंगे और गौठान में जाके उपचार दवा वितरण सैंपल लेंगे यदि कोई जांच के लिए ऐसा लगता है और टीकाकरण करेंगे बधियाकरण करेंगे ये कार्य जो है ना संपादित करेंगे। इनका जो वैन है ये महीने में 25 दिन चलेंगी। गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा पशुओं के बेहतर उपचार सुविधा के लिए 20 अगस्त को इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया गया था।